धन्यवाद दलेश्वर साहू। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, राजनांदगांव जिला में बायोडीजल के क्रय विक्रय जारी अनुज्ञा पत्र के संबंध में मेरा प्रश्न है, जिसमें उत्तर आया हुआ है और मैं प्रश्न ही करना चाहता हूं। आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, अभी मैं प्रश्न करूंगा। करिए, जल्दी करिए। मैं तो प्रश्न किया ही नहीं हूं सर जी, आप बैठो ना। मैं तो प्रश्न ही मेरा बचा हुआ है। इतनी बड़ी कमेटी आज तक 20 साल में नहीं हुई, प्रश्न नहीं हुआ और मंत्री उत्तर देने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ। चलिए पूछिए दलेश्वर जी। अध्यक्ष महोदय जी, बायोडीजल खुदरा विक्रय केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के कौन कौन से दिशा निर्देश वर्तमान में प्रचलन में है, सदन को बिंदीवार बताने की कृपा करेंगे। क्या है, मंत्री जी को घर में बोलने मिलता नहीं? हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायण भैया परोड़ी इससे पता है, नारायण भैया को सारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2019 के तहत डीजल में 20% तक बायोडीजल का मिश्रण कर वितरण कंजम्पशन करने के निर्देश हैं। मैंने छत्तीसगढ़ शासन का भी पूछा हूँ, दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ दिशा निर्देश बिंदुवार की अनुज्ञा पत्र जारी करने के पहले कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से परिपत्र, किसके आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, ये मैंने बिंदुवार पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा 30 अप्रैल को जो गाइडलाइन और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो 16-17 बिंदु पे है। कहेंगे तो पूरा मैं पढ़ के सुना देता हूँ माननीय अध्यक्ष। चलिए, पड़ोस में दिखा दीजिए। उसी के तारतम्य में उसी के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी आप बाजू बाजू बैठे, एक दूसरे कागज ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, एक भी बिंदु का पालन नहीं हुआ है, उसका फॉर्मेट मेरे पास है। बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न सदन में प्रश्न दिए गए उत्तर में एजेंसियों को अनुमति दी गई है, उन्हें किन दिशा निर्देशों के तहत अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, सदन को बताने कष्ट करें। मेरा मतलब ये है, जो गाइडलाइन है उनका निर्देश का पालन नहीं हुआ, और जो फॉर्मेट है और उन्हें जो दिया है वो अनावश्यक रूप से उन कलेक्टर से ले लिया, उनसे ले लिया, इनसे ले लिया, और वो सदन में उत्तर भी दिए हैं, तो ये कौन से जो आपने जो अनुमति जो दिए हो, एजेंसी को अनुमति दी गई है, वो कौन से निर्देश का पालन करते हो, उसको कौन से दिशा निर्देश में किए हैं, वो बताने कष्ट करें। आप एक सीट आगे नहीं बढ़ सकते माननीय अध्यक्ष महोदय? एक सीट आगे बढ़ के बाजू में बैठ जाओ, देख लो कागज। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है वो 17 बिंदु पे है, और उन 17 बिंदुओं पे उसको उसके परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है, और इसके अपील अथॉरिटी खाद्य सचिव है, उसके अंदर में डायरेक्टर खाद्य है, फिर उनके द्वारा जो है कलेक्टर को उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश है। उसमें जिस विभाग से उनको अनुमति लेना है उसका एक तो है जिला मजिस्ट्रेट, जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए किया जा रहा है। दूसरा, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PSO लाइसेंस अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से NOC लेना है, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मापतोल विभाग से लेना है, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से लेना है, जिला प्रशासन के वाणिज्य, इनको बता दीजिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा। हाँ, बहुत है, बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहूँ, आप देख लीजिएगा, आपको जवाब दिए हैं अनुज्ञा पत्र जारी करने का जो लिखा हुआ है पुलिस अधीक्षक, यहाँ तो पुलिस अधीक्षक का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आप मेरी बात सुनिए ना दलेश्वर जी, दलेश्वर जी, अधिकारी को अनुज्ञा पत्र जारी करवाना। दलेश्वर जी, आप एक सीट आगे आ जाए, समझा देंगे। मेरे क्षेत्र में ये गंभीर अवैध
पेट्रोल डीजल मैं चलने नहीं दूंगा, मेरा आपका संरक्षण चाहिए। मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूं, अगर गलत ढंग से अगर बायो डीजल चलेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको चाहता हूं, इसको आप जांच करा दीजिए या तो बंद करा दीजिएगा, क्योंकि आपको अनुविज्ञा पत्र जारी की हो, कोई बेबुनियाद कंडिका डाल के कर दिए हैं और जो दिशा निर्देश उसका पालन ही नहीं। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और इन्होंने एक शिकायत भी किया कलेक्टर के यहाँ, उसका जो है उस पर कार्रवाई भी किया गया, और इनके शिकायत में जो लिखा था अगर उनका कापी का बोलेंगे तो पढ़ के सुना देता हूं। वो जांच चाहते हैं और जांच चाहता हूँ। अगर मान लो मेरे इलाके में अगर अवैध तरीके से अगर डीजल होगा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। आपके इलाके में कहाँ से आता है डीजल? मेरा ये पूरा बाघ नदी महाराष्ट्र बॉर्डर से शुरुआत होता है और राजनांदगांव और ये डॉक्टर रमन सिंह के इलाके में भी चल रहा है साहब, आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आप सुनोगे तो बोलने दोगे तब ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव जिले में एक मिनट सुन तो लीजिए। माननीय इसका प्रवेश द्वार सरगुजा है, आप सुन लीजिए, सरगुजा प्रवेश द्वार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कीमत कम है यूपी में। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम है और यहाँ लाके अफरा तफरी कर रहे मंत्री जी के संरक्षण में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर राजनांदगांव जिले में जो संचालित बायो डीजल की यूनिट्स है वो 7 फर्मों के लिए जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र किया गया है, जिसमें 4 बायोडीजल का विक्रय केंद्र संचालित है। उसमें से राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ में और छुरिया में, ये 4 संचालित है। लेकिन जब माननीय विधायक महोदय ने शिकायत किया तो शिकायत के बाद उसमें तत्काल जाँच कमेटी बनाई गई और जाँच करके उसको बंद कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप जांच करवा दीजिए, एक भी बिंदु का पालन नहीं हुआ है। खुद ही अपने हिसाब से अधिसूचना जारी कर दिए, खुद ही अपने ढंग से चला रहे हैं। मैं तो स्पष्ट बोलो, मैं एक विधायक बोल रहा हूँ, दूसरा बार का विधायक बोल रहा हूँ। मैं भी ज्ञान, मेरे को भी ज्ञान है, मेरे को भी अधिसूचना पढ़ने का अधिकार है। वो जो अधिसूचना जारी जो किया है वो गलत ढंग से किया है, आप जांच करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना भी अपने शासनकाल में इतना नहीं करा पाऊंगा तो मेरे लिए दुर्भाग्यजनक होगा ये। चलिए भाई, जांच कराइए। मैंने अध्यक्ष जी बताया ना कि खाद्य सचिव के निर्देश पर कलेक्टर ने कमेटी बनाया और कमेटी बना करके उसमें जांच कराया, अनियमितता पाए जाने पे उसको बंद करने का निर्देश दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय जी अब नहीं है, बार बार आप सीधा 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 आप जांच करा दीजिएगा। ये आपने जो दिया है वो भी गलत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार आग्रह कर रहे हैं मंत्री जी, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 10 चल रहा है, आप अभी आप तत्काल जांच करवा लीजिएगा। मैं गलत बोलूंगा अध्यक्ष महोदय जी? बोलो यार, जांच कर लेना, क्या दिक्कत है? जो कंप्लेंट आया था उसमें जांच का निर्देश दिया गया, टीम बना करके जांच किया गया, अनियमितता पाया गया, उसको बंद कर दिया गया। जब अनियमितता पा भी गए तो उसमें एक जांच करा दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय का आग्रह है उसमें, आप किसी से भी जांच करा दीजिए। मैं नहीं चाहता यदि मंत्री जी नहीं करें तो असेंबली से आ जाए वो घड़ी का सुई, और मंत्री स्वीकार कर रहे हैं अनियमितता को। एक घड़ी का सुई अटक गया है, हम बोल रहे हैं कि कार्रवाई करके बंद कर दिए हैं, तो फिर उसमें जांच का क्या? और बंद कर दिया गया, अध्यक्ष महोदय जी, मैं जिस क्षेत्र से आ जाए में चल रहा है मुझे पता रहेगा तो कैसे अनुभव बताए? निर्देश नहीं, मैं नहीं मानता ये। आप मेरे को, आप फील्ड में किसी को भेज दीजिएगा, किसी अधिकारी को, मेरे क्षेत्र में अवैध चलने नहीं दूंगा, चाहे तो जो भी हो, चाहे वो दूसरा प्यार कर देना चाहिए। धर्मजीत जी, धर्मजीत जी प्लीज, बहुत बहुत हो गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, एक बहुत ही सीनियर MLA, प्लीज आप अपने क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पर। नहीं नहीं सर, मैं दूसरी नहीं, उसको छोड़िए अपने। नहीं सर, उनको बोल दीजिए ना, जांच करा दें, करते रहेंगे आप। प्लीज आप अपने क्वेश्चन जांच करवा दो आप यार। धर्मजीत भैया, उसमें जांच कराया, अनियमितता पाया, उसको बंद करने का निर्देश दे दिया गया। फिर वो संतुष्ट करो ना, उनको समझा दो ना। आप इधर से जवाब देने के लिए मेरे को ऐसे बोल, या तो आप उनको समझा दो या आप उनसे समझ लो, आपका सुझाव तो उसको भी कार्रवाई किया जाएगा। बस हो गया, मैं ये चाह रहा हूँ। चल ठीक है, मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ कि आप सामने आ जाओ, तो आना नहीं है, पीछे से ही लगे हो।